FCPS वर्ल्ड के रिवीन कोर्स के अंदर हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे कि जिनको याद करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ की डिटेल के अंदर जाया जाए। हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और अक्सर स्टूडेंट्स इनको गलत करके आते हैं। इसको याद करने का एक बेसिक तरीका ये है कि हमें पता है कि जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, वो रेप्लिकेट करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं और इवेंचुअली पेशेंट हील कर जाता है। तो बॉडी जब हील करता है या इम्यून होता है प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से या फिर इम्यून करता है वैक्सीनेशन की वजह से, तो उसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे पास NTHBS जो होंगी वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये हम अक्सर देखते हैं कि HPSAG है, HPEAG होती है, इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो AG होता है इसका मतलब होता है एंटीजन, HP तो जो है ये हेपेटाइटिस वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे S या E है, S फॉर सरफेस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है S फॉर सरफेस और E फॉर एनवलप। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। ठीक है। जब वायरस बॉडी के अंदर गया उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की। रेप्लिकेशन में अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो इसके ऊपर हमारे पास सरफेस पे एंटीजन होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एनवेलप के एंटीजन होते हैं और सेंटर में हमारे पास कोर होता है। हमारे पास ये सब चीज़ें जो है ना डिवाइड करती हैं, जब रेप्लिकेट करती हैं, जब भी ये चीज़ें हमारे पास रेप्लिकेट करती हैं उसके बाद ये चीज़ें एक मिलती हैं और एक नई वायरस बनाती हैं, और जो हमारे पास इन्फेक्शन होती है वो कंटिन्यू रहती है। तो हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, उन दोनों के अंदर हमारे पास जो सरफेस एंटीजन होंगे ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये हमारे पास रेप्लिकेट कर रहे होंगे। ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी सरफेस का एंटीजन भी पॉजिटिव है, एनवेलप भी पॉजिटिव है। क्रॉनिक में सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव है और एनवेलप एंटीजन भी पॉजिटिव है। अब बॉडी के अंदर जब भी वायरस एंटर होती है तो सबसे पहले जो सरफेस है उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, यहाँ पर रिसेप्टर पे ये लगा, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज बनती हैं, हमें पता है कि एक्यूट फेज के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे पास IgM एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके बाद क्रॉनिक फेज के अंदर हमारे पास जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो IgG एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन होगी, डिटेक्शन हुई, एंटीबॉडीज जो बनेगी वो NTHBC, और क्रॉनिक फेज के अंदर हमारे पास बनेगी IgG। ये बेसिकली सी जो है वो कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको याद करने का तरीका ये है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसको किन निमोनिक्स हम याद करेंगे। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो ये है कि NTHBC जो है वो पॉजिटिव आई हुई है हमारे पास इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन में। ठीक है। और इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन में ये चीज नेगेटिव है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी बंदे को वैक्सीनेट करते हैं ना, हम उसके अंदर कोर डीएनए नहीं डालते, क्योंकि अगर हम कोर डीएनए डालेंगे तो एंटीजन भी रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि डीएनए के अंदर कोडिंग होती है एंटीजन बनाने के भी, और डीएनए में कोडिंग होती है कि उसका जो अपना डीएनए है उसको मल्टीप्लाई करने के भी, तो पेशेंट को तो एक्चुअल इन्फेक्शन हो जाएगी। तो हम वैक्सीनेशन के अंदर जो है ना सिर्फ हम लोग एंटीजेंस डालते हैं और जो एक्चुअल इन्फेक्शन होती है ना उसके अंदर कोर जाती है। तो NTHBC हेपेटाइटिस कोर की जो के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो सिर्फ हमारे पास बनेंगी जब पेशेंट डिजीज होने के बाद, एक्चुअल डिजीज होने के बाद लाइक आप ये कह लें कि हील हुआ होगा या इम्यून हुआ होगा। ठीक है। तो एक और चीज हमने जो याद करनी है वो ये रखनी है करनी है कि जो सरफेस एंटीजन है ना ये सबसे पहले डिटेक्ट होते हैं बॉडी सॉरी बॉडी के अंदर। जब भी जिस तरह से मैंने आपको बताया था जो हमारे पास सरफेस एंटीजेंस होते हैं वो रिसेप्टर्स को लगती हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, तो सरफेस एंटीजन का मतलब ये है कि एक्टिव इन्फेक्शन है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो एनवलप होते हैं ना, जितने ज्यादा एनवलप होंगे उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा वायरस रेप्लीकेट कर रही है। ये याद कर ले कि हम किसी को लेटर देते हैं तो एनवलप में देते हैं, तो जितने ज्यादा एनवेलप है उतनी ज्यादा रेप्लिकेशन है या उतनी ज्यादा इजी टू स्प्रेड है। इसका निमोनिक ये है, ई फॉर एनवेलप, ई फॉर इजी टू स्प्रेड, एस फॉर सरफेस, एस फॉर बॉडी कैन सी द हेपेटाइटिस वायरस,
एसएससी एसएस सर्फेस, एनटीएचपीएस क्या जो निमोनिक है वो एंटी सिक, यानी कि बंदा हील हो गया है। अगर दोबारा अगर बंदे में हेपेटाइटिस बी की वायरस आती है तो हमारे पास एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो उसको काउंटर करेंगी, और जब भी हमारे पास स्कोर आएगा तो उसका मतलब ये है कि एक्चुअल डिजीज आई थी, जिस तरह से यहाँ पे आया, एनटीएचपीसी पॉजिटिव आई है प्रीवियस इन्फेक्शन के बाद। अब एफसीपीएस पार्ट वन में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ये देखें कि हमारी स्लाइड के अंदर जो ग्रीन से चीजें लिखी हुई होंगी वो अगस्त पास पेपर से हमने ली हुई है। अब क्वेश्चन आया है पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ट्रांसमिशन। हमें ये पता है कि जब ट्रांसमिशन होती है इसका मतलब है एनवेलप बन गए हैं। सीरोलॉजी विल शो, आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से पता लग गया है कि HBeAg पॉजिटिव आएगा बॉडी के अंदर। तो देखें HBeAg पॉजिटिव है क्योंकि एनवेलप बन रहे हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी हो रही है। मगर सीपीएसपी ने क्या किया कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जाना HBsAg दे दिया साथ, और साथ HBeAg दे दिया। HBeAg अकेले कहीं पे भी नहीं था, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गए। फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए वही कि HBeAg पॉजिटिव होगा, ठीक है, HBeAg पॉजिटिव है, NTHPSAg नेगेटिव होगा। फिर अगस्त में क्वेश्चन आया है पेशेंट विद नॉन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन केम विद HBsAg पॉजिटिव। हमें पता है एस सरफेस ने डिटेक्ट किया, यानी कि एक्टिव इन्फेक्शन है, HBeAg है, इसका मतलब है रेप्लिकेशन भी हो रही है बॉडी के अंदर, और HBcAbIgM पॉजिटिव, इसका मतलब है कि एक्यूट फेज में चल रहा है। डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन में हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस था, तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्नोसिस है। अब एक क्वेश्चन जो सीपीएसपी में अक्सर आता है वो ये आता है कि हम हेपेटाइटिस बी का वायरस लोड किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। वायरस लोड को डिटेक्ट करने के लिए आप एक चीज याद रखें कि जो लोड है ना वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ, आप ये कह लें कि वायरसेस कितनी ज्यादा हैं, तो उसको हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, उसको हम वायरस का जो डीएनए जितना ज्यादा है ना वो हम पीसीआर करवाते हैं, हम डीएनए को मेजर करते हैं, और डीएनए से हमें पता लग जाता है कि वायरस का जो लोड है वो कितना है।